नमस्कार, मैं हूँ अभिलाषा और स्वागत करती हूँ आपका अभिलाषा किचन क्वीन चैनल में। तो आज मैं बताने जा रही हूँ आपको रस भरी गुलाब जामुन घर पर फटाफट बनाना से कैसे बनाएं, बहुत कम समय में और बहुत ही टेस्टी बनाना गुलाब जामुन बनते हैं। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि बनाना गुलाब जामुन कैसे बनते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए या मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर आप किसी भी रेसिपी के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ बनाना गुलाब जामुन कैसे बनते हैं चंद मिनटों में। तो चलिए मैं आज बताती हूँ आपको बनाना का गुलाब जामुन कैसे बनता है। तो यहाँ पर मैंने 4 बनाना ले लिया है पका हुआ, इसे छील लिया मैंने। ये चीनिया केला है, आप कोई सा भी केला ले सकते हैं, पका हुआ होना चाहिए अच्छे से। यहाँ पे मैंने 1 कप कटोरी मैदा लिया है, 1 कटोरी मैंने चीनी लिया है चाशनी के लिए। यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर सोडा लिया है थोड़ा सा, 1/4 चम्मच, और 1 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिया है, और 3 से 4 चम्मच मैंने घी लिया है। यहाँ पे आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं, मैंने घी लिया, घी से स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ बनाना अब गुलाब जामुन कैसे बनता है। तो देखिए मैं इसे केले को ऐसे मैश कर लूँगी सारे केले को। तो देखिए मैंने बनाना को अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी घी, देख रहे हैं, और मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, और 1 चम्मच यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर लिया, ऐसे भी ऐड कर दूँगी। इन सबको अच्छे से मिला लूँगी मैं। अब इन सब में मैं धीरे धीरे मैदा मिलाऊंगी, एक साथ नहीं डालूंगी, धीरे धीरे डालकर इन सबको मिलाऊंगी अच्छे से। हल्का थोड़ा थोड़ा करके मैं मिलाती जाऊंगी तब तक जब तक कि अच्छे से इसका डो तैयार नहीं हो जाता। तो देखिए मेरा डो तैयार हो गया है इतना अच्छे से। अब चलिए मैं आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक सॉस पैन ले लिया है, इसमें मैंने 1 कप पानी डाल दिया, उसमें मैं चीनी डाल दूँगी जो मैंने चीनी ले रखा था, ये इसे डाल दूँगी और इसका चाशनी बनाऊँगी 1 तार का। तो देखिए चीनी मैंने इसे मैं चीनी डाल दिया है, मैं चाशनी बन रहा, इसमें मैंने 1 पिंच कलर डाला है ऑरेंज कलर, ये ऑप्शनल, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, मैंने डाला 1 पिंच, कलर बहुत अच्छा आता है। और इसमें मैंने इलायची का पाउडर डाल दिए हैं 1/2 चम्मच। अब चलिए मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है और इसे गैस पर चढ़ा दिया है, इसे मैं गैस को भी जला लूँगी और कढ़ाई को मैं गर्म होने दूँगी। तब तक मैंने जो ये डो तैयार किया है इसे मैं लोइया बना लेती हूँ छोटे छोटे, आपको जिस साइज़ का पसंद हो साइज़ का कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए मैं इस साइज़ का बना ले रही हूँ, सारे लोइया ऐसे ही मैं बना लूँगी। देखिए मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है, मैं इसमें डाल दूँगी ऑयल उतना डालूँगी, रिफाइंड ऑयल है जितना में मेरा छन आ जाए अच्छे से बॉल्स गुलाब जामुन के, देख रहे हैं। तो देखिए मेरा तेल गर्म हो चुका है, मैंने इसे चेक कर लिया है, थोड़ा सा दाने डाल के आटे के, देख रहे हैं ऊपर आ गया। तो अब मैं इसमें डालूँगी जो गोले मैंने बना के रखे थे मैदा और केले का, एक एक करके मैं डाल दूँगी। और ध्यान है गैस को मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर रखूँगी, बहुत तेज़ से ये जल जाएगा, इसे तेज़ गैस नहीं रखना है चूल्हा। देखिए मैं एक एक करके सब ऐसे डाल दूँगी गोले, और बीच पलट पलट कर मैं इसे चारों तरफ से लाल कर लूँगी। देखिए मैंने पलट दिया कितने अच्छे से लाल हो रहे हैं, इसी तरह से मैं चारों तरफ से लाल कर लूँगी। तो देखिए मेरे गुलाब जामुन बनकर तैयार हो गए हैं, कितने अच्छे से तल गए हैं, एकदम लाल लाल हो गया है एकदम, ये फटाफट तैयार हो जाता है और बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगता है, देख रहे हैं। मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है टिश्यू पेपर रख के, ताकि इसके एक्स्ट्रा ऑयल इसमें सोख ले, सारे को मैंने निकाल लिया। और मेरा चाशनी भी तैयार हो गया, मैं गैस को ऑफ कर दूँगी। तो देखिए मैंने जो गोले बनाया है इसका बाद हमेशा ध्यान रखिएगा दोनों हाथ से इसको एकदम चिकना कर लेना चाहिए, तो इससे अच्छा बनता है। तब इन बच्चे को भी मैं डाल दूँगी गोलों को।
जो मैंने बॉल्स को निकाले थे इस चाशनी में डाल दूंगी, देख रहे हैं। ऐसे 15-20 मिनट तक के लिए मैं छोड़ दूंगी इसमें, ताकि चाशनी में अच्छे से ये मिल जाए, देख रहे हैं। इसी तरह मैं बाकी भी डाल लूँगी। तो देखिए गुलाब जामुन बनकर तैयार है, कितने अच्छे लग रहे हैं, लग रहा है ना बिल्कुल मार्केट जैसा गुलाब जामुन। तो इस तरह से आप बिल्कुल ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें बनाना मिला हुआ है और सभी को पसंद आएगा, घर में बच्चे या बड़े हर कोई खाएगा पसंद से। तो फटाफट कम समय में आप बनाना गुलाब जामुन बना सकते हैं घर पर। तो आप सभी का मेरे चैनल अभिलाषा किचन क्वीन पर विजिट करने के लिए धन्यवाद।